स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। स्टेयर कैसे बनाएं, सीढ़ी कैसे बनाएं, जो एरिया है, जो स्पेस है, उस स्पेस में स्टेयर कैसे बनाते हैं, वीडियो लास्ट तक देखें। देखिए यहाँ पे जो स्पेस है 8 फीट लंबाई और 8 फीट चौड़ाई है। 8 बाई 8 में सीढ़ी कैसे बनाएं, जो स्लैब हाइट है, जो छत की हाइट है, तो ये 10 फुट 6 इंच है। मैं आपको एक बता दूं कि जब कभी भी लोग स्लैब हाइट, छत की हाइट लेते हैं तो इनर टू इनर ले लेते हैं। जी नहीं, आपको टॉप यानी कि आपका स्लैब का टॉप, देखिए यहाँ पे स्लैब आएगा तो इसके टॉप यानी कि टॉप का जो कंक्रीट फेस होता है वहाँ से आपको स्लैब हाइट कंसिडर करना होता है। देख रहे हैं ये लास्ट जो स्टेयर का टप्पा है यहाँ पर, तो ये टॉप में कंसिडर करते हैं। ओके, तो टोटल कितना है आपका 10 फुट 6 इंच। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टेयर स्टार्ट हो रहा है और ये लैंडिंग ठहराव पे आते हैं। ठहराव कितने पे है, यहाँ पे इंच में मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो लैंडिंग है आपका ठहराव 2 फीट 9 इंच का ही आपका स्पेस है जो ठहरा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये, और थोड़ा डाउन मैं कर देता हूँ, ये प्लान में देखिए, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टेयर। ये पैसेज है 4 फुट का और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टेयर का जो चौड़ाई है यहाँ पे 3 फुट मैं प्रोवाइड किया हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 टप्पा में ये स्टेयर चढ़ जाएगा। यानी कि राइजर जो होता है, जो वर्टिकल जो टप्पा का हाइट होता है, ये 19 नंबर। यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करना है वीडियो लास्ट तक देखिए मैं आपको बताऊँगा। देखिए स्लैब हाइट है 126 इंच और राइजर जो है आपका, राइजर किसको बोलते हैं, ये देखिए एक टप्पा का हाइट को राइजर बोलते हैं। तो राइजर 7 इंच रखना है 1 से लेकर 5 तक, मानी कि 1 2 3 4 और 5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 इंच रहेगा। अब बाकी 5 के अलावा जितने भी टप्पा का हाइट होगा 6.5 इंच रहेगा। ओके, चलिए कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। ओके, वीडियो लास्ट तक देखिए आप। देखिए जो एरिया है आपके पास, कैलकुलेशन सीखेंगे। एरिया कितना है आपका, 8 फीट लंबाई भी है और चौड़ाई भी 8 फुट। इस एरिया में स्टेयर आपको बनाना है, क्या बनाना है, स्टेयर बनाना है। और आपका पैसेज है ये 4 फीट का पैसेज है, यहाँ से स्टेयर जहाँ से स्टार्ट होगा ये पैसेज रखना बहुत जरूरी है। कि आप तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे लेकिन आप इस जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए, तो ये 4 फुट पैसेज हो गया ये आपका। ओके, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब इसका स्टेप कैलकुलेशन करते हैं। जब हम स्टेयर बनाते हैं, मान लीजिए स्टेयर इसे बनाते हैं, ओके, तो ये जो राइजर होता है एक एक स्टेप का हाइट, जो आप स्टेयर बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, तो उसका हाइट कितना रखें एक स्टेप का, तो ये इसको राइजर बोलते हैं, आर से मैं डिनोट कर रहा हूं। तो ये आपको रखना चाहिए 6 इंच से लेकर के 7 इंच, इसके बीच में आप रख सकते हैं। ओके, कमर्शियल जो बिल्डिंग होता है 5 इंच का भी रखा जा सकता है, लेकिन आप जब घर बनाते हैं 6 और 7 के बीच में रखिए। तो मैं जो कंसिडर किया हूं इनके लिए 6.5 इंच। ओके, और जिस पे पैर रख के आप चलते हैं, ये टप्पा का चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक ध्यान दीजिए, इसको टेड बोलते हैं, टी से मैं डिनोट कर रहा हूं। क्लियर। अब देखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्लैब हाइट कितना है, 10 फुट 6 इंच, इसको इंच में बदल दीजिए तो ये 126 इंच हो जाएगा। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, यहां से चेंज कर लिए 126 इंच। तो नंबर ऑफ आर, नंबर ऑफ राइजर यानी आर कितना होगा, तो ध्यान दीजिए कि एक का हाइट, ये जो हाइट है इस हाइट से, ओके, स्लैब हाइट में डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 126 डिवाइडेड बाय 6.5 इंच कर दिए, ये भी इंच में है। ओके, तो ये भाग दीजिएगा तो ये आएगा 19.38 आएगा। तो अब देखिए आपको क्या करना है, ये आर इज इक्वल टू 9 मान लीजिए या 19 मानिए या तो 20 मान लीजिए, तो मैं इसको 19 मानता हूं। जब ये 19 मानेंगे तो 0.38 को कैसे मैनेज करेंगे, तो देखिए आर इज इक्वल टू 19 नंबर रखेंगे और कितना 6.5 इंच, तो ये
मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा टोटल हाइट, हाइट यहाँ निकल देते, टोटल हाइट इज इक्वल टू यहाँ पे, क्लियर। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 123.5 इंच, लेकिन आपका कितना है टोटल 126 इंच है, यानी कि 2.5 इंच कम हो रहा है। अब देखिए जो स्टेप बनेगा, जैसे ये जो स्टेप बनेगा टोटल कितना बनेगा स्टेप, 19 नंबर, ओके। उसमें से 19 नंबर में से अगर 6.5 इंच का बनाते हैं तो कितना, 2.5 इंच कम हो रहा है। तो इसको मैनेज करेंगे तो आर हम जो रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आर रखेंगे 5 नंबर, कितना, 7 इंच का, देखिए इसमें मैनेज हो गया। और आर रखेंगे आपका टोटल 19 है तो कितना हो जाएगा आपका 14 नंबर, 14 नंबर कितना, 6.5 इंच का। तो ये स्लैब हाइट मैनेज हो जाएगा, ओके। अब देखिए होरिजेंटल जो डिस्टेंस है, जैसे कि 8x8 है, कितना है 8x8 का, ये 8x8 फीट का हो गया, ओके। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 19 नंबर, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 नंबर, ये होता R, T इज इक्वल टू R माइनस 1, ये ओके। तो ये कितना एक स्लैब में आ जाएगा, तो ये 18 नंबर। अब देखिए क्या करेंगे, ये 8 फुट है और ये 8 फुट है, अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, एक लैंडिंग बीच में ठहराव दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ओके। ये 8 फीट है तो 3 फीट का स्टेयर हम बना रहे हैं, 3 फीट इधर से और 3 फीट इधर से, ये बीच का जो गैपिंग जो है आपका कितना हो गया, ये 2 फीट, क्लियर। अब देखिए ये जो लैंडिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ओके, तो ये आपका लैंडिंग यहां पे हो जाएगा, इसका लैंडिंग कम और ये यहां से यहां तक का जो है आपका ये 63 इंच, ओके। देखिए 8 फीट है तो 8 × 12 कर दीजिए, कितना हो गया 96 इंच, ओके। तो 96 इंच में 63 ये हो गया, तो ये कितना 63 इंच, क्लियर। अब देखिए ये 63 में से अब हमको टी रखना है 9 इंच का, टी कितना रखेंगे 9 इंच का, तो ये डिवाइड कर दीजिए तो ये 7 नंबर बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको स्टेट कर दिए, लैंडिंग जो ठहरा है उसमें भी एक टप्पा बनाएंगे और ये 2 फीट है तो इसमें एकक बनाएंगे, देखिए तो ये कितना 8, 9, जैसा कि आपने देखा 10, ये 11, इधर डॉटेड से मैं शो कर रहा हूं, सेम बनेगा आपका, ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी होता है स्टेयर बनाना, ओके। तो थोड़ा स्केल में नहीं है तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 नंबर, तो इस तरह होरिजेंटल डिस्टेंस भी मेंटेन हो गया। तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, आर आपको 19 नंबर रखना है टोटल और टी आपको कितना 18 नंबर, इस तरह अगर आप बनाते हैं तो स्टेयर बन जाएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।